फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसे हिडन जेम को दिखाने लेकर आई हूँ जहाँ से आप एक नहीं बल्कि कई अट्रैक्शन एक साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये खूबसूरत सी जगह जुमेरा एमिरेट्स टावर के पास है, जो कि दुबई के सिंबल ऑफ द सिटी कहलाते हैं। जुमेरा एमिरेट टावर्स की ये दोनों बिल्डिंग दुबई गवर्नमेंट के अंदर ही आती हैं, इसलिए इसके आसपास का सारा एरिया बहुत ही खास और सुंदर बना हुआ है। इसमें से एक बिल्डिंग में जुमेरा एमिरेट्स होटल है और दूसरी बिल्डिंग में एमिरेट्स का ऑफिस है। उसी बिल्डिंग की बैक साइड पर हमें अपना ये पहला अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, जो है पिकॉक फीडिंग पार्क। इस जगह पर एक कार पार्किंग एरिया भी बना हुआ है, आप चाहें तो वहां अपनी कार पार्क करके इस जगह को आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। चारों तरफ बना ये ग्रीन एरिया और ये फ्रीली वॉक करते हुए पिकॉक्स, सचमुच ये एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस है। मैं सजेस्ट करूंगी आप अपने साथ बर्ड फूड लेके जाइएगा ताकि आप इन्हें फीड करा सकें और फील कर सकें इस एक्सपीरियंस को। इसी पार्क से एक रास्ता एमिरेट टावर्स के अंडरग्राउंड कार पार्किंग एरिया में जाता है, जहां पर आप अपनी कार पार्क करके दूसरे अट्रैक्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि 2 घंटे के लिए कार पार्किंग फ्री है। अगर आप इस जगह पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू आना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप उसे वहां देख लीजिएगा। और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ उस दूसरे अट्रैक्शन को दिखाने, जो कि एमिरेट्स ऑफिस टावर के 2nd फ्लोर के रूफटॉप से दिखाई देता है। 1st फ्लोर पर जाने के लिए आपको ये एक फुली ग्लास की लिफ्ट दिखाई देगी, या फिर आप इन एस्केलेटर्स का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको 1st फ्लोर पर स्टारबक कॉफी हाउस दिखाई देगा, जिसके पास बनी एंट्री से आप उस न्यू अट्रैक्शन तक पहुंच सकते हैं। और ये है 2nd फ्लोर के रूफ लेवल तक जाने का रास्ता, जो कि लीन्स कैफे के ठीक सामने है। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो जगह जहाँ से दुबई की ब्यूटीफुल स्काईलाइन का और म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का क्लोजर और ब्रेथ टेकिंग व्यू आप देख सकते हैं। जानते हैं कि म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर की ये बिल्डिंग इतनी खास क्यों है? ध्यान से देखिए इस टॉरस शेप बिल्डिंग को, जो कि एक रिंग फॉर्म में बनी हुई है। इसकी ये डायनेमिक फॉर्म दुबई गवर्नमेंट के फ्यूचर व्यू को रिप्रेजेंट करती है। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर की इस बिल्डिंग में डिफरेंट इनोवेशन, इंस्पिरेशन और यूनिक आइडियाज देखने को मिलेंगे। और एक खास बात है इस बिल्डिंग में,
जो आप बाहरी सतह पर ये विंडोज देख रहे हैं वो असल में एक पोयम फॉर्म में बनी हुई है। अरेबिक कैलीग्राफी में बनी ये पोयम, जो कि खुद दुबई के रूलर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद जी ने अपनी सिटी के फ्यूचर विजन के लिए लिखी थी। जैसा कि मैंने आपको ये पहले भी बताया कि अट्रैक्शन जल्द ही ओपन होने वाला है, तो इसकी फुल डिटेल्स मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगी। पर इस यूनिक स्ट्रक्चर का चार्म देखिए कि इसे ऑलरेडी नेशनल ज्योग्राफिक ने वर्ल्ड के 14 मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम में शामिल कर लिया है। चाहे ये फ्यूचर म्यूजियम हो या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग से ढकी इस दुबई स्काईलाइन का व्यू, इस रूफटॉप से हर एक व्यू दिल को छू लेने वाला है। क्योंकि इसे ज़्यादा लोग अभी जानते नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ रश भी बहुत कम होता है, तो हमने यहाँ काफ़ी देर तक अपना अच्छा समय बिताया और दिन और रात का बहुत ही सुंदर व्यू एक साथ देखने को मिला। बस यही थी मेरे आज के ब्लॉग की कहानी, मेरे एक्सप्लोर किए गए न्यू अट्रैक्शन की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और न्यू अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स एंड रिगार्ड्स, हिमाली।